अब तक आपने जाना कि मियाना और मायना इन्हें कैब से बाहर निकलने का रास्ता बताती है, और जैसे ही ये बाहर निकल रहे होते हैं कि तभी इन पर दो फ्लाइंग मॉन्स्टर्स का अटैक हो जाता है। लेकिन अचानक इन नैनो मेटल्स के सामने आने पर नैनो मेटल्स के स्पाइक इन पर घुसकर इन्हें मारकर नैनो मेटल में तब्दील कर देते हैं। ये दृश्य देखकर सभी भौचक्के रह जाते हैं। किसी को भी इस घटना पर यकीन नहीं हो रहा था, पर ये इस जगह को पहचान लेते हैं। लेकिन ये जगह पूरी तरह से नैनो मेटल में बदल चुकी है, क्योंकि यहाँ 20,000 साल गुजर चुके हैं और मेका गोडजिला की इस फैसिलिटी सेंटर में पूरी तरह से नैनो मेटल्स फैल चुके हैं। मियाना और मायना यहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो हारू को चेतावनी देते हुए कहती है कि यह जगह खतरनाक और जहर से भरी हुई है। गालूगो और बेलाबे मेका गोडजिला के सिग्नल को फॉलो करने लगते हैं। मार्टिन यहाँ पर अपनी थ्योरी बताते हुए कहता है, मेका गोडजिला सिटी अपने मेटालिक टिश्यू से इस नैनो मेटल को खाए जा रही है। तभी एडम पूछता है, ये शहर अगर हमें भी नैनो मेटल में बदल दिया तो? लेकिन गालूगो कहता है कि ये सब सिर्फ गॉडजिला को नष्ट करने के लिए हो रहा है। नैनो मेटल एक प्रकार की गैस उत्पन्न करती है जिससे धुंध बन जाता है, परिणामतः ये पूरा शहर सभी के नजरों से बच जाती है। तभी हारू कहता है कि इस शहर का स्ट्रक्चर कुछ अजीब सा लग रहा है। गालूगो उसे बताता है कि मेका गॉडजिला ने खुद ही यहाँ का कंस्ट्रक्शन किया है, इसलिए मेका गॉडजिला के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ मिलकर हम गॉडजिला को नष्ट कर सकते हैं। तभी एडम देखता है कि यहाँ पर कुछ इंसानों के भी नैनो मेटल में बदल चुके लाश पड़ी हुई है, और वो गुस्से से गालूगो से कहता है कि तुमने कहा था कि नैनो मेटल इंसानों पर कोई असर नहीं दिखाती। लेकिन गालूगो उसे कहकर समझा देता है कि ये लोग समय पर यहाँ से नहीं निकल पाए, ये पहले से ही यहाँ पर मरे पड़े हुए थे और नैनो मेटल ने मरे हुए लोगों को अपने में बदल दिया। अचानक गालूगो ये डिटरमाइन करता है कि यह सिग्नल मेका गॉडजिला के सिर से आ रही है, अर्थात ये अभी भी जीवित है। भले ही हजारों सालों पहले गॉडजिला ने हमारे मेका गॉडजिला के शरीर को नष्ट कर दिया हो, पर इसका सर गॉडजिला से लगातार लड़ाई करते आ रहा है, और उसने अपने नैनो मेटल को इतना ग्रो कर लिया है कि इसने अपना एक पूरा शहर ही बना लिया है। तभी मेटाफिस कहता है कि गॉडजिला सा ताकतवर कोई दूसरा चीज हो ही नहीं सकता, और अब गॉडजिला अपने पुराने आकार से 6 गुना ज्यादा बड़ा हो चुका है। तो अब मेका गॉडजिला फिर से बनाना और इसे गॉडजिला को मारने की कोशिश करना व्यर्थ होगा। पर गालूगो कहता है कि हम सारे पावरफुल वेपन्स का इस्तेमाल करके अपनी वही रणनीति से इस गॉडजिला को भी मार सकते हैं। तब हारुओ भी ऐलान करता है कि वो एक बार फिर गॉडजिला से लड़ेगा, और इसके लिए इसे जो भी सजा दी जाए मंजूर है। तभी एडम बताता है कि गॉडजिला कभी कभार जागकर इस क्षेत्र में घूमता है। बेलुबे भी कहता है कि वो इसलिए कर रहा है क्योंकि वो मेका गॉडजिला को ढूंढना चाहता है। जिसके बाद हारवो कहता है कि अगर हम गॉडजिला के सारे स्पीसीज को मारने में कामयाब हुए तो हम इस बड़े गॉडजिला को भी अंततः मार सकते हैं। गालूगो बताता है कि मेका गॉडजिला सिटी को फुल फंक्शनल होने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन ये गॉडजिला को ढूंढने से पहले रेडी हो जाएगा। गालूगो यहाँ अपने पावर सूट को चार्ज करता है मेका गॉडजिला सिटी की टेक्नोलॉजी को यूज करके, और हारुओ अपने एंटी गॉडजिला स्ट्रेटजी को सबके सामने रखते हुए कहता है कि मेका गॉडजिला सिटी और फंक्शनल होने के बाद में एक गॉडजिला को ट्रैप पॉइंट में ले आएंगे, जिसके बाद अपने वेंचर्स यानी न्यूली मॉडिफाइड पावर सूट से उस पर हमला करेंगे तथा उस पर लिक्विड नैनो मेटल से लेस एक्सप्लोजिव से हमला करके उसे एक जगह पर जमा देंगे, जिसके बाद गॉडजिला के शील्ड को आसानी से नष्ट किया जा सकता है, ताकि उस पर ईएमपी हार्पून से हमला करके उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी से ओवरलोड किया जाए, जिसके बाद गॉडजिला किसी बम की भांति फट जाएगा। मेटाफिस गालूगो से कहता है वो मेका गॉडजिला फैसिलिटी के टेक्नोलॉजी को यूज करके उसके एक्सिव क्रिस्टल को रिपेयर कर दे, क्योंकि ये रिचुअल कंपोनेंट उसकी इस जंग के लिए काफी आवश्यक है। दूसरी तरफ हथुआ टेम्पल में मौजूद बूढ़े ट्राइब मियाना और मायना को बताते हैं कि मेका गॉडजिला सिटी के मनुष्य बहुत बड़े खतरे में है। वहीं यहाँ यूको भी वेंचर्स के टेस्ट फ्लाई को सफलतापूर्वक कर लेती है, और वो देखती है कि उसके वेंचर्स में लिमिटलेस एनर्जी है, तथा यूको हारवो से कहती है कि मुझे तुम पर ही भरोसा है और तुम ही मुझे उम्मीद देते हो, इसलिए मैं तुम्हारे हर फैसले से सहमत हूँ। मार्टिन हारवो से मिलता है और उससे कहता है कि मेका गॉडजिला सिटी आने के पश्चात कई सैनिकों को कई हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, पर हारवो इस पर ज्यादा ध्यान न देते हुए वहां से चला जाता है। हारवो मेटाफिस के पास जाता है और उससे कहता है कि वो इस बात को लेकर चिंतित है कि बेलू सालूडो अपनी गलती को पुनः न दोहरा दे मेका गॉडजिला के चक्कर में, और वो ये भी पूछता है कि क्या आपका होमवर्ल्ड भी
मॉन्स्टर्स ने नष्ट किया था। मेटाफिज कहता है कि सभी नाम लेने से भी डरते हैं जिसने हमारा प्लेनेट को तबाह किया, लेकिन वो हार्वो को उसका नाम जरूर बताएगा। साथ ही वो हार्वो से कहता है कि स्पेस में गॉडज़िला से भी कई गुना खतरनाक मॉन्स्टर्स घूम रहे हैं। हम एक्जिफ वासियों को तो गॉडज़िला से डरने की जरूरत भी नहीं है। और मेटाफिज हार्वो के कान में उस मॉन्स्टर का नाम बताता है और उसे ये भी कहता है कि ये नाम किसी और को न बताएं। जिसके बाद हार्वो यूको से मिलता है। यहाँ यूको हार्वो से कहती है कि मुझे तुमसे इस बात को लेकर ईर्ष्या है कि तुम्हारे पास में धरती की सारे पुराने मेमोरीज है लेकिन मेरे पास नहीं। तब हार्वो कहता है कि एक बार वो गॉडज़िला को हरा दे उसके बाद वो उसे बताएगा कि धरती कितनी खूबसूरत है। दूसरी तरफ सिटी के अंदर एडम और दो सोल्जर्स देखते हैं कि बिलू सालूडो मेटल में बदल रहे हैं, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। यहाँ पर हार्वो को मियाना और मायना के तरफ से टेलीपैथी वार्निंग रिसीव होती है। वो बताती है कि गॉडज़िला फिर से जाग चुका है। देर न करते हुए हार्वो कंट्रोल रूम में जाता है जहाँ वो देखता है कि गॉडज़िला का मूवमेंट फिर से शुरू हो गया है। वो गालुगो से पूछता है कि सिटी को रेडी होने में और कितना वक्त लगेगा। गालुगो जवाब देता है 12 घंटे और लगेंगे। तभी हार्वो कहता है कि जल्द से जल्द प्लांटिंग को पोस्टपोन करते हुए वेपन्स को तैयार करो और ये सारी चीजें गॉडज़िला के इस शहर को ढूंढने से पहले करनी होगी। हार्वो पूछता है कि उसके पास कितने कॉम्बैट वेंजर्स है। जवाब में गालुगो बताता है कि हमारे पास 3 सूट कम्प्लीट करने का ही पावर था, लेकिन ये तीनों सूट 300 हॉर्स बाइक के बराबर है और ये 3 वेंचर्स काफी होंगे गॉडज़िला से लड़ने के लिए। हार्वो उन हार्पून्स के बारे में पूछता है जिससे उन्होंने एक गॉडज़िला को पहले मारा था जो यहाँ बनकर तैयार है। अचानक एडम यहाँ आकर कहता है कि नैनोमेटल ने बिलू सालूडो को खाना शुरू कर दिया है। तभी हार्वो गालुगो से मदद के लिए कहता है, लेकिन गालुगो उसे बताता है ये कोई गलती नहीं हुई। बिलू सालूडो अपनी मर्जी से नैनोमेटल को अपनी बॉडी देने को तैयार था ताकि वो मेका गॉडज़िला सिटी का एक हिस्सा बन सके। बेलुबे भी कहता है ये उनके लिए गर्व की बात है। हार्वो ये सुनकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि मेटाफिज सही था, बिलू सालूडो सभी को मॉन्स्टर बनाना चाहते हैं। जवाब में बेलुबे कहता है ये अगला कदम होगा एवोल्यूशन का। सभी इस दुनिया में नैनो मेटल बदल कर रहे वही सबसे उचित है, पर सभी सोल्जर कहते हैं हमें मेटल में नहीं बदलना और इस बात की बहस छिड़ जाती है। पर यूको तानी बिलू सालूडो का पक्ष लेकर कहती है कि हमें पहले जाग चुके गॉडज़िला पर ध्यान देना होगा। तभी हारुओ कहता है कि बेलुबे और गालुगो ये दोनों मेका गॉडज़िला सिटी को कंट्रोल करेंगे। तभी गालुगो कहता है वो मेका गॉडज़िला में इमर्ज हुए बिलू सालूडो पर इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेंगे, पर गॉडज़िला इन सोल्जर्स को लोकेट कर लेता है और वो उनके पास आना शुरू कर देता है और रुक कर उस शहर पर अपनी एटॉमिक ब्रिज छोड़ देता है। पर वक्त रहते गालुगो सिटी पर थर्मल एनर्जी डिप्लॉय कर देता है जिसके कारण वो इस ब्लास्ट की दिशा को बदलने में कामयाब हो जाते हैं और सिटी का एक छोटा सा सेक्शन ही नष्ट होता है। लेकिन इस हमले में इसका एक ईएमपी हार्पून लॉन्चर पिघल जाता है। गॉडज़िला गुस्से से आगे बढ़ता है। तभी हार्वो के कमांड में 3 वेंचर्स गॉडज़िला की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब ये सैनिक इन वेंचर्स से गॉडज़िला के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो गॉडज़िला का ध्यान भटकाने में सफल नहीं होते। हार्वो ऑर्डर देता है कि उन्हें सामने जाकर हमला करना होगा और वो वेंचर कैनन से समीप जाकर गॉडज़िला पर हमला करने लगते हैं और इस हमले की वजह से गॉडज़िला का पूरा ध्यान इन वेंचर्स पर चला जाता है और वो सुपर ऑसिलेटरी वेव से इन पर हमला कर देता है जिससे यूको का वेंचर बाल बाल बच जाता है। हार्वो और बेलाबे लगातार गॉडज़िला पर अटैक करते रहते हैं क्योंकि उन्हें गॉडज़िला को ट्रैप पॉइंट पर लाना था और ये गॉडज़िला को ट्रैप पॉइंट पर ले ही आते हैं। तभी हार्वो गालुगो से कहता है कि वो उसे ज्यादा देर तक रोक नहीं सकता, इसलिए जल्दी से जल्दी ट्रैप को एक्टिवेट करो। योजना सफल होती है। गॉडज़िला क्रेटर के अंदर गिर जाता है और गॉडज़िला सीधे कैप्चर पॉइंट के पास आ जाता है। गॉडज़िला यहां से अपनी एटॉमिक ब्रीथ का यूज करके हार्वो के ऊपर हमला करता है, लेकिन मियाना और मायना अपनी टेलीपैथिक वार्निंग देकर हार्वो को बचा लेती है। गॉडज़िला अपनी पूंछ से अपने आसपास के इमारतों को नष्ट करने लगता है, लेकिन गॉडज़िला कैप्चर पॉइंट के समीप आ चुका है इसलिए वहां लिक्विड नैनोमेटल छोड़ दिए जाते हैं। जब ये लिक्विड सख्त हो जाती है तब गॉडज़िला वहां फंस जाता है। अब सभी जमकर गॉडज़िला के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। तभी कंट्रोल रूम से बताया जाता है कि गॉडज़िला की सील टूट जाएगी अगर इसके डोर्सल प्लेट को नष्ट किया जाए, इसलिए सभी इसके डोर्सल प्लेट पर हमला करने लग जाते हैं जिसके बाद गॉडज़िला की सील नष्ट हो जाती है। सील के हटते ही गॉडज़िला पर 2 ईएमपी हार्पून छोड़ा जाता है
और यह हार्पून सीधे गॉडज़िला के पीठ पर जा लगती है और इससे गॉडज़िला के शरीर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी पूरी तरह से भर जाती है। सभी सोचने लगते हैं कि अब जल्द ही गॉडज़िला किसी फुलझड़ी की भांति फटने वाला है, लेकिन किसी कारण से गॉडज़िला नहीं फटता और गॉडज़िला की त्वचा चमकीले लाल रंग में चमकने लगती है और इसके शरीर का तापमान काफी ज्यादा बढ़ने लगता है, यानी गॉडज़िला इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करने लग जाता है, जिस वजह से गॉडज़िला नहीं फट रहा था। यहाँ तक कि गॉडज़िला का तापमान लगातार बढ़ता ही जा रहा था। बेलुबे कहता है कि अभी भी हम गॉडज़िला को एटॉमिक ब्रीथ सूट करने के लिए मजबूर कर सकते हैं, लेकिन उसके आसपास का एरिया बहुत गर्म है, इसलिए हम उसके करीब नहीं जा सकते। यहाँ तक कि मेका गॉडज़िला सिटी का तापमान भी अब बढ़ने लग जाता है, इसलिए मार्टिन गालुगो से कहता है कि हमें इस शहर को जल्द से जल्द खाली करना होगा, लेकिन गालुगो खुद को नैनो मेटल को समर्पित कर देता है। ये देख मार्टिन वहाँ से भाग जाता है। गालुगो कहता है कि इंसान सच में काफी कमजोर होते हैं, पर गालुगो को विश्वास है कि हार वो सबसे अलग है। दूसरी ओर बेलुबे अपनी आखिरी सुसाइडल स्ट्रेटजी बताते हुए कहता है वो वेंचर को गॉडज़िला के डॉर्सल प्लेट के समीप मिले जाएंगे, जिससे गॉडज़िला एटॉमिक ब्रीथ यूज करने के लिए मजबूर हो जाएगा और फट जाएगा। पर वेंचर का सिर्फ एक ही हिस्सा काफी कमजोर है। हारवो पूछता है कौन सा हिस्सा सबसे कमजोर है। गालुगो कहता है वेंचर्स के पायलट, इसलिए अगर हम खुद को नैनो मेटल में तब्दील कर दे तो हम 10 सेकेंड तक इस हीट को बर्दाश्त कर सकते हैं। तभी वेंचर्स में से नैनो मेटल पायलट को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। यहाँ बेलुबे खुद को नैनो मेटल में तब्दील करना शुरू कर देता है और यू को खुद को बचाने का प्रयास करती है और वो वेंचर से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं निकल पाती और नैनो मेटल उसके शरीर को भी एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, जिससे उसका वेंचर डिसेबल हो जाता है। पर किसी तरह हारवो उसे पकड़ लेता है। बेलुबे हारवो से कहता है कि एक बार वो नैनो मेटल का हिस्सा बन जाए, इसके बाद अंततः वो गॉडज़िला का संहार कर सकते हैं। दूसरी तरफ मार्टिन और दूसरे लोग मेका गॉडज़िला सिटी से बाहर निकल जाते हैं और उन्हें दिखता है कि मेटाफिस केव से बाहर ब्रिज के पास उनका इंतजार कर रहा है। मेटाफिस हारवो से कांटेक्ट करता है और उसे कहता है कि नैनो मेटल नहीं रुकने वाली, ये गॉडज़िला को एब्जॉर्ब करने के बाद में भी लगातार फैलती रहेगी, इसका फैलाव पूरी धरती को मेटल में तब्दील करने के बाद ही रुकेगा। साथ ही मेटाफिस हारवो को कंट्रोल रूम को नष्ट करने के लिए कहता है ताकि वो नैनो मेटल को फैलने से रोक सके और यूको को भी शायद बचा सके। गालुगो मेटाफिस की बात सुनकर काफी क्रोधित हो जाता है और वो हारवो से कहता है वो बेलु सारुडो को धोखा दे रहा है। हारवो तुम भी खुद को नैनो मेटल के हवाले कर दो, पर हारवो का शरीर नैनो मेटल को रिजेक्ट कर देती है, जिसके कारण नैनो मेटल उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, जिसके बाद वो अपना वेंचर कंट्रोल रूम की तरफ ले जाता है और वो गालुगो को ऑर्डर देता है कि वो नैनो मेटल के फैलाव को रोक दे, लेकिन गालुगो ये करने से मना कर देता है और कहता है कि मॉन्स्टर को मॉन्स्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इंसानियत इतने काबिल नहीं होती कि वो उसे हरा सके। अब हारवो को ये फैसला करना था कि उसे गॉडज़िला को मारकर खुद को मॉन्स्टर बनाना है या फिर गालुगो को मारकर इस प्लेनेट को नैनो मेटल से बचाना है। और फाइनली हारवो वेंचर की गन को लोड करता है और कंट्रोल रूम पर ओपन फायर कर देता है, जिस वजह से मेका गॉडज़िला के सिर सहित पूरा कंट्रोल रूम तबाह हो जाता है। गालुगो सहित मेका गॉडज़िला सिटी का कोर नष्ट होते ही नैनो मेटल डिसेबल हो जाते हैं। बेलुबे अपने वेंचर के अंदर ये सब देखकर काफी दुखी हो जाता है और उसका वेंचर टकराकर नष्ट हो जाता है और उस वेंचर से हुए धमाके के कारण पूरी बिल्डिंग तबाह हो जाती है। साथ ही नैनो मेटल की गिरफ्त से गॉडज़िला भी आजाद हो जाता है और उसकी सील भी एक्टिवेट हो जाती है। साथ ही अब गॉडज़िला के पास काफी सारी मात्रा में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है, जिसे वो अपने एटॉमिक ब्रीथ से अनलीश करता है और मेका गॉडज़िला सिटी को राख में बदल कर रख देता है और एक जीत का दहाड़ लगाता है। यहाँ हारवो यूको को वेंचर से बाहर निकालता है, लेकिन यूको कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी। हारवो उसे जगाने की बहुत कोशिश करता है, पर अंततः उसे महसूस होता है यूको अब कभी नहीं जागेगी और यूको की आंख से नैनो मेटल की एक बूंद की आंसू निकलती है। ये देख हारवो दर्द से चीख पड़ता है और यूको इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है। पर स्पेस में अभी भी एक ऐसा मॉन्स्टर है जिसे मेटाफिस हारवो के कान में गिद्दोरा बताया था। पर क्या वो गॉडज़िला का सामना कर सकता है, जानेंगे अगले एपिसोड में।